लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जहां गहलोत सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं हार को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आने का दौर भी शुरू हो चुका है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कटारिया के इस्तीफे की जानकारी से इनकार किया है और कहा है कि पार्टी हार को लेकर चिंतन कर कमियों को दूर करेगी। साथ ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे गोपाल सिंह इडवा ने इसको बीजेपी की साजिश और व्हाट्सएप की अफवाह बताकर इस पर ध्यान न देने की सलाह दी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि जब ऐसी स्थितियां सामने आती हैं तो अपनी रणनीतियों का पुनर्निर्माण किया जाता है। अभी तक उनसे कोई बात हुई नहीं, न कोई पुष्ट समाचार अभी तक इस तरीके का मिला है कि किसी ने भी इस्तीफा दिया हो। मैं ये मानता हूँ कि जब सारा फैसला हमने राहुल जी पे छोड़ दिया है, राहुल जी ने इस्तीफा देने की जो अपनी इच्छा प्रकट की उसको सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नहीं नकारा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी नकारा है और देश का आम कांग्रेस जन वो राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा है, उनको मजबूत देखना चाहता है, कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है। अब आप मेरा आपसे निवेदन है कि इन दिनों में व्हाट्सएप के आधार पर आप खबरों पर ध्यान मत दें, किसने कहा कहा किसने क्या कहा, झूठ के पुलंदे इधर से उधर भारतीय जनता पार्टी ने चलाना शुरू किया है और वो उसी आधार पे ये व्हाट्सएप के माध्यम से जनता में इस प्रकार की भ्रमित करने की कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, राहुल जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस मजबूती से पूरे देश की कांग्रेस संगठित है। कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा पूरे देश में और जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो सब कुछ रीस्ट्रेटजाइज करना पड़ता है, बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाते हैं और अपनी सारी रणनीति को पुनर्निर्माण किया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने सबको अपने हौसले को बनाए रखने की अपील की है और कार्यकर्ताओं से कहा है कि फिर हम लोग एकजुट होंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के हितों की बात करेंगे, विपक्ष का दायित्व निभाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस आने वाले समय में अपने वजूद को पुनर्स्थापित करेगी।